दोस्तों आप सभी के ये बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहे हैं कि जो यूपी नीट एमबीबीएस का काउंसलिंग चल रहा है, जो मॉपअप राउंड का शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, उसमें मुझे क्या करना है, क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किन कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ए टू जेड बात करेंगे यूपी के जो मॉपअप राउंड हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे शेड्यूल। जैसे बात करते हैं शेड्यूल का, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 8 सितंबर से 11 सितंबर तक। आप पेमेंट कर सकते हैं 2 लाख रुपया का इसी शेड्यूल के बीच में 12 सितंबर तक, और मेरिट लिस्ट आ जाएगा 12 सितंबर को, और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगा 13 से लेकर 15 तक होगा। अलॉटमेंट आ जाएगा 16 सितंबर को, और रिपोर्टिंग 18 to 21 हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि अगर आप ये वेबसाइट जो यूपी नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप यहाँ पे आओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, उसे ध्यान से देखोगे आप, है ना। क्लियर समझना है चीज को कि यूपी नीट काउंसलिंग में किसे पार्टिसिपेट करना है। जब यूपी नीट सर्च मारोगे तो अलॉटेड एंड वैकेंट सीट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखोगे नीट यूजी काउंसलिंग 2023, और यहाँ पे है इंस्टीट्यूट वाइड अलॉटेड कैंडिडेट राउंड 1, राउंड 2 के पूरे का ना यहाँ पे दिया हुआ है कि किसको किसको अलॉटमेंट मिल चुके हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, जब इसे सबमिट करेंगे तो आप जब यहाँ देखेंगे तो सभी कैंडिडेट के जिनके भी अलॉटमेंट आए हैं वो 150 सीट्स का अलॉटमेंट हो चुका है, इवन रिपोर्टिंग भी हो चुका है। तो अगर बात कर लेंगे तो जो मॉपअप राउंड का जो सीन बन रहा है यूपी में, अब बहुत ज्यादा सीट नहीं है, जो बहुत ज्यादा सीट नहीं है, हर कॉलेज में सीट नहीं है मॉपअप राउंड में। तो जिन कैंडिडेट को लो स्कोर है नीट में, जैसे कि 200, 300, 350, वो कैंडिडेट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनको उनका अदर स्टेट का ऑप्शन देखना चाहिए जो अभी बाकी है। कौन कौन से स्टेट का बाकी है वो देखना चाहिए। बहुत सीट नहीं होने के कारण आपके पास ऑप्शन है कर्नाटका, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टेट है, उसके बाद है वेस्ट बंगाल का, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस ले सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन बाकी है वो बाकी है बिहार का, आपके पास जो ऑप्शन है वो राजस्थान का, आपके पास जो ऑप्शन है वो है हरियाणा का। एटलीस्ट इतना तो स्टेट बाकी है जहाँ आप एडमिशन गारंटेड ले सकते हैं। तो अपना समय ना बर्बाद करके, क्योंकि मान के चलते हैं जब सीट ही नहीं बचेगा तो यहाँ पेमेंट करके क्या ही करना, और एक दो सीट जो बहुत खराब सीट रहेगा और उसका कटअप 500 स्कोर पे एडमिशन लेना उचित भी नहीं है। तो आंख बंद करके काउंसलिंग नहीं करना है, और उन कैंडिडेट को करना है जिनका स्कोर 550 है और वो कोई भी कॉलेज में ले लेंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर है तो यूपी के जो छोटे कॉलेजेस हैं, नीचे वाले कॉलेजेस हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपके स्कोर पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो। और सीधे करना है कि नहीं यूपी का मॉपअप राउंड चल रहा है इसमें हम कर लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर मेरे जो पैसे है 2 लाख रुपये वो कैसे आएगा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ था, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं उन जरूर स्टूडेंट को कहूंगा जिनके अभी नहीं एडमिशन है, इन स्टेट पे फोकस करके एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है, जरूरी नहीं है कि यूपी में मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया ही जाए। जो बहुत डेस्परेट है कि मेरे को सिर्फ यूपी में ही एडमिशन चाहिए और उनका स्कोर 450 से ऊपर है, तब ट्राई करेंगे 720 में। क्लियर हो रहा होगा, होप से मुझे लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।